तो गाइज यार आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एकदम न्यू इवेंट आ चुका है, प्लेट फॉरवर्ड इवेंट। तो इस इवेंट को कंप्लीट करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, तो वो जो ट्रिक है मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज जैसे ही आप ओपन करोगे इस इवेंट को तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इस इवेंट के अंदर करना क्या है ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले इस इवेंट के अंदर डेली लॉगिन करना है, उसके बाद जो है शेयर करने पर रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और फिर ये जो रिडीम करने पे ये फीमेल वाला टॉप वाला जो बंडल है वो मिलेगा फ्री में, ठीक है। तो ये तीन चार रिवॉर्ड्स हैं और ऐसे करके जो मिलेंगे। तो गाइस इसके अंदर ना ये जो बंडल लेना है थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और ये जो चीज़ें हैं ये भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर रिडिम्शन के लिए 8 शेयर कंप्लीट करने और इसके अंदर काउंट डाउन भी आ रही है, तो उसका जो है तो गाइज़ यार सबसे पहले आप लोगों को इस इवेंट को ओपन करके यहाँ पे डेली लॉगिन करना हो, ये सारे रिवॉर्ड्स आप क्लेम कर सकते हो। इसके अंदर सिर्फ एक रिवॉर्ड अच्छा है जो कि है ये, ठीक है। तो ये जो आपको 13 मई को मिल जाएगा, 13 मई को इसमें लॉगिन करना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने कन्फर्म पर क्लिक किया तो मुझे काउंट डाउन आ चुका है। तो ये देख सकते हो ये काउंट डाउन इसके अंदर भी आएगा, ये जो नेक्स्ट वाला है ना इसके अंदर भी काउंट डाउन आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शेयर इवेंट कैसे कंप्लीट करना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप लोग इसे सबसे पहले कॉपी कर लो, इसके बाद जो अपने व्हाट्सएप पे खोल लेता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ कैसे शॉर्ट ट्रिक। गाइस यार आप लोग देख सकते हो मैं अपने व्हाट्सएप के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ से जो अपने फ्रेंड को आपको शेयर कर देना है जो लिंक कॉपी करा है, ठीक है। अब जो है आपके दोस्त से आपको बोल देना है कि इसको ओपन करके मुझे एक रिवॉर्ड दिलवा दे, और आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक के अंदर ये करना है कि इस लिंक पे क्लिक करना। तो जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर जो है गाइस मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ और एक ट्रिक करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर जो है मुझे जो मेरी मेन आईडी है इमोर्टा वाली उसमें आप देख सकते हो रिवॉर्ड आ जाएगा। तो यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख कर आ चुका। तो गाइस आप लोगों को शेयर करके इसको ओपन कर लेना अपनी दूसरी आईडी से, और यहाँ देख सकते हो मैंने अपनी दूसरी आईडी से ओपन कर लिया है और मेरा काम हो चुका है। अब जो है मैं अपनी दोबारा से फ्री फायर के अंदर जाता हूँ मेन वाली आईडी के अंदर और दिखाता हूँ, वहाँ पर देखना एक शेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस इवेंट को रिफ़्रेश करेंगे यहाँ से, और अभी आप देखना कि मेरा 1 शेयर कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे मैसेज आ चुका है, थैंक्स फॉर स्प्रेडिंग काइंडनेस, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा 1 शेयर कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक आप देख सकते हो काउंटडाउन आ चुका है। तो 12 आवर्स बाद, मतलब लगभग 11 आवर्स बाद जो है आप दोबारा से इसको शेयर कर सकते हो, फिर से आपको वही करना है, या फिर दूसरी आईडी से भी हो जाएगा और उसी सेम आईडी से भी हो सकता है, ठीक है। तो हर 12 आवर्स के अंदर आप लोगों को यही सेम चीज़ करनी है। लेकिन अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो एक और तरीका है इसको कंप्लीट करने का, वो भी मैं बता देता हूँ। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हो उसको एक और तरीका है कंप्लीट करने का, वो है टोकन एक्सचेंज से, ठीक है। तो जो लोग जो है शेयर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे वो लोग टोकन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले रिवॉर्ड से एक पैराशूट की स्किन, एक बंडल है और शायद एक लूट बॉक्स है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 21 ये टोकन्स चाहिए होंगे। तो ये टोकन्स कहाँ से मिलेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये इवेंट क्लोज़ कर देना है और फिर आ जाना अपने कैलेंडर पे। तो जैसे ही आप कैलेंडर पे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा 8 मई से, यहाँ पर आप देख सकते हो 8 मई को ये जो टोकन्स हैं ये मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही आप ये वाले टोकन कलेक्ट करोगे उस वाले इवेंट के अंदर आके उसको एक्सचेंज कर लेना, और इसके मिशंस जो हैं वो सिंपल होने वाले हैं। गाइस यार इसके जो मिशन है वो एकदम सिंपल होने वाले हैं, जिसके अंदर से आपको लॉगिन करना होगा, कुछ गेम प्ले करना पड़ेगा कुछ मिनट्स के लिए, 90 मिनट्स के लिए, 45 मिनट्स के लिए, और कुछ किल करने पड़ेंगे। इन सब चीज़ें कंप्लीट करने से आपको ये कोकोनट वाले टोकन मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही वाले टोकन कलेक्ट करोगे दोबारा से उस इवेंट के अंदर आ जाना, और यहाँ से रिडिम्शन स्टोर पे क्लिक करके यहाँ से इसको रिडीम कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ब्लू ऑप्शन आ जाएगा करके, और फिर आप जो है इसको एक्सचेंज कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना है, उससे भी पहले आपको ये इवेंट कंप्लीट करना है, तो आपको जो है यहाँ से शेयर करते रहना होगा हर 12 आवर्स में। आपको जो मैंने अभी ट्रिक दिखाई है उस ट्रिक से आप कंप्लीट करना, और जो आपका डेली गिफ्ट है वो भी क्लेम करना। 13 मई को ये लेजेंडरी रिवॉर्ड मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ इस इवेंट के अंदर। तो यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आओगे वॉच शॉर्ट फिल्म, तो इससे तो आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक म्यूज़िक वीडियो देखने को मिलेगा। तो ये 6 डेज़ बाद एक म्यूज़िक वीडियो आएगी, वहाँ से आपको एक रिडिम्शन कोड मिलेगा, मतलब रिडीम कोड, और उससे जो आप प्राइज़ ले सकते हो बहुत सारे।
तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही हम रिडीम कोड रिडीम करते हैं तो बहुत सारे बंडल मिलते हैं फ्री में, तो वही चीज़ जो है यहाँ पर भी मिलेगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले रिडीम कोड आया था, वही सेम सीन यहाँ पर भी होने वाला है। तो गाइस यार अभी हम लोग बात कर लेते हैं अपने रमज़ान इवेंट के कैलेंडर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तो लॉगिन इवेंट है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और ये वाला जो इवेंट है वो आज आ चुका है। इसके अंदर से ये सारे रिवॉर्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। फिर टोकन कलेक्शन इवेंट आएगा जिससे आप लोग रिवॉर्ड एक्सचेंज करोगे, और फिर आएगा एक टोकन एक्सचेंज, तो इन्हीं सेम टोकन से आप ये रिवॉर्ड्स भी एक्सचेंज कर पाओगे। वो रिवॉर्ड्स क्या क्या हैं, डायमंड रॉयल वाउचर हैं और M8 2B की स्किन है, ठीक है। M8 2B की स्किन फ्री में मिलेगी परमानेंट, यहाँ पर आपको क्रेट मिल रही थी लेकिन वहाँ पर परमानेंट स्किन है। इसके अलावा एक और लास्ट में एक आप देख सकते हो मिशन देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पर एक सर्फ बोट की स्किन है और M4A1 की स्किन है, तो वो जो है परमानेंट नहीं मिलेगी, वो उसकी सिर्फ क्रेट्स मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और भी कुछ इवेंट स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे ही लॉग इन इवेंट स्टार्ट हो गया, मैं क्रोनो कैरेक्टर क्लेम कर लेता हूँ और इसको कोई कैक्यूब कर देता हूँ। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे सबका इवेंट कंप्लीट हो जाए।